नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसीजर के वक्त डॉक्टर आपका इंटरनल एग्जामिनेशन कितनी बार करते हैं, जिसको हम लोग पर वजाइनल एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो जैसे आप लेबर में आते तो हम लोग इनिशियल चेकअप करते कि आप कितने फिंगर डायलेटेड है। आइडियली जनरली जब भी माइल्ड पेंस रहते तो आप 1-2 फिंगर डायलेटेड रहते, जिसको हम लोग सेंटीमीटर में बोलते हैं कि 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो अगर आपको माइल्ड पेंस है तो डॉक्टर आपका 2-2 घंटे में चेकअप करेंगे, जब तक आप 4-5 सेंटीमीटर डायलेट नहीं होंगे। 4-5 सेंटीमीटर के बाद डॉक्टर, अगर आपको बहुत अच्छे से पेंस है तो आधे घंटे में या 1-1 घंटे में भी आपका इंटरनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और अगर आपको माइल्ड पेंस है तो 2-2 घंटे में भी आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं। और जैसे आप 7-8 सेंटीमीटर डायलेट होते हैं तो डॉक्टर आपको लेबर रूम में लेंगे और आपका काफ़ी फ्रिक्वेंटली इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं, मानो 15 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स, जब तक आप फुल डायलेट नहीं होंगे और जब तक आपका डिलीवरी नहीं होगा। तो इतना फ्रिक्वेंटली हम लोग नॉर्मल डिलीवरी को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि इंटरनल एग्जामिनेशन में ही हम लोग को पता चलता है कि आप कितने डायलेट हुए हैं।